As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded in chapter 4? You have learned. अभी देखो, हम वेदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसको हम प्रिडिक्ट अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमने प्रिडिक्शन किया वो होगा ही होगा. कभी कभी रिपोर्ट्स में आता है कि तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन कभी नहीं होती है, या मीडियम बारिश होती है. सो दैट आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पज़ कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. Now can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum temperature? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. So पूरे दिन का minimum temperature कितना था ये हमको early morning ही पता चलता है, और maximum temperature कितना था ये तो एकदम भरी दोपहर में पता चल सकता है. Now can you understand why in the summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? So ये temperature की वजह से ही हम लोग morning में इतना अच्छा feel करते हैं, क्योंकि वातावरण ठंडा होता है, right? और दोपहर में हम लोग थोड़ा uncomfortable feel करते हैं. All the changes in the weather are caused by the sun. तो weather में जो भी change आती है, बारिश, ठंडी, गर्मी, वो सब सन की वजह से होता है. द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉसेस द चेंजेस इन द वेदर. Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean and the atmosphere play the important role in determining the weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or a nearby mountain. So, जो भी light हमारे पास आती है, जो भी गर्मी हमारे पास आती है, वो सब आती है सूरज में से. सूरज क्या है? गैस से भरा हुआ, और वो भी हाई टेम्परेचर से भरे हुए गैसेस हैं. तो जो भी रोशनी और गर्मी हमारे तक पहुंचती है वो सब तो होती है सूरज की, लेकिन सारी की सारी गर्मी हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिटेन हो जाती है, और रिटेन होने के भी अलग अलग कारण हो सकते हैं. अगर हम लोग समुंदर किनारे रहते हैं तो हमारा टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा, राइट? अगर हम लोग डेजर्ट में रण विस्तार में हैं, राइट, तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ सकता है. अगर हम लोग माउंटेन्स में हैं, पहाड़ी इलाके में हैं, राइट, तो हमको ठंडी हवाएं वो लगने लगेगी. सो सारी लाइट और हीट जो है वो सन के बदौलत है हमारे पास. कितनी हम एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, राइट, ये सब हमारे आजू बाजू के वातावरण के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे आजू बाजू में क्या क्या है. सो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट द मच टाइम टू प्ले. आर द डे शॉर्टन इन विंटर देन इन द समर? ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. अभी देखो, आप महसूस करोगे कि सर्दियों में जो है रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, लेकिन घड़ी के कांटों को तो उतना ही घंटा लगता है घूमने में. ऐसा नहीं है कि सर्दियों में जल्दी घूमते हैं और जल्दी रात हो गई. उनकी स्पीड तो सेम रहती है, राइट? तो फिर ऐसा कैसे है कि गर्मियों में 8 बजे तक कभी कभी सूरज रहता है रात को, और सर्दियों में 6:30 पे अंधेरे जैसा होने लग जाता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेज ऑफ द सन. सन की जो रोशनी आती है हमारे तरफ, वो कौन से एंगल से आती है, कितना एंगल बनता है पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि वी ऑल नो द सन एक जगह पर है, पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूमती रहती है उसके आजू बाजू में, राइट, है ना? तो ये सब आगे आएगा चैप्टर में, आपको पता लगेगा कि कैसे होता है ये सब. मीटरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो हर रोज़ टेम्परेचर मेज़र करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स. मीटरोलॉजी के डिपार्टमेंट में आप कोई सी भी डेट
साल दो साल पाँच साल पुरानी डेट का बोलो कि उस दिन टेम्परेचर वेदर क्या था तो आपको मिल जाएगा, राइट। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स, यानी कि 10 साल जब होते हैं तब एक डेकेड बनता है, राइट। अभी चल रहा है 2020, आप 2010 का भी मांग सकते हो, 2000 का भी मांग सकते हो, 1990 का भी मांग सकते हो, तो हर एक 10 साल का रिकॉर्ड्स उनके पास पड़ा रहता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर ए लॉन्ग टाइम से अबाउट 25 ईयर्स, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। द एवरेज वेदर पैटर्न, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, रोज़ स्टडी करते हैं वेदर को, राइट। ऐसे 25 सालों तक ऑब्जर्व करते हैं तब हमें एवरेज वेदर पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर ये महीनों में गर्मी रहती है, ये महीनों में ठंडी रहती है, और ये महीनों में बारिश आती है, और बारिश भी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आती है और कम से कम इतनी आती है, राइट। सो ये सब मीटरोलॉजिस्ट हमारे पास रिपोर्ट्स देते हैं। If he finds that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on the most of the days in the same place, then we say that the climate of the place is not hot and wet. In the table 7.2 and 7.3, we have given the climatic conditions of the two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperature recording during the month, and second, we calculate the average of such average temperature over many years. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir, and three Thiruvananthapuram in Kerala. तो यहाँ के हमको डेटा दिए गए हैं कुछ आपकी बुक में इंफॉर्मेशन के लिए, तिरुवनंतपुरम के और श्रीनगर के। जो श्रीनगर है वो ठंडी इलाका है, तिरुवनंतपुरम है वो मॉडरेट है। तो डेली मिनिमम टेम्परेचर, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर और टोटल मीन रेनफॉल कितना होता है वो दिया हुआ है, राइट। द नंबर्स ऑफ द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ मतलब पॉइंट में नहीं है, फुल नंबर्स, होल नंबर्स में आपको दिया गया है। By looking at the table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that the Kerala is very hot and wet in comparison to the Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. तो दो जगह का, दोनों जगह जो है वो भारत में ही है, लेकिन दोनों में कितना टेम्परेचर वाइज डिफरेंस है देख लो। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। दिस इज़ द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो देखो राजस्थान जो है वो है हॉट एंड ड्राई, राइट। जबकि हॉट एंड वेट कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर क्या है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट है। हॉट एंड वेट, दिस इज़ हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें साल में अधिकतर महीने में बारिश होती रहती है। Therefore, we can say that the climate of the northeast is wet. तो हमें पता चलता है कि हमारे इलाका जो है वो hot and dry है, या hot and wet है, या moderate dry है, या wet है, depends on the climatic conditions which are given by data of the meteorological department. आगे का हम लोग देखेंगे 7.3, climate and adaptation. What do you mean by climate? कैसा वातावरण है, तो उसके अनुकूल हम अपने अंदर क्या चेंजेस लाते हैं, राइट। दैट इज़ नोन एज एडप्टेशन। अब देखो च्यवनप्राश जो है वो जनरली लोग सर्दियों में खाते हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी को गर्म रखना पड़ता है। गर्मी की सीज़न में कोई च्यवनप्राश नहीं खाएगा, राइट। तो आप देखना मिठाइयाँ भी बाज़ार में जो मिलती हैं, फ्रूट्स जो भी होते हैं, वो भी सीज़न वाइज हमको मिलते हैं, है ना।
तो ये सब हमको एडेप्टेशन करने में, देखो अभी वाटरमेलन जो है कोई सर्दियों में नहीं खाता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा होता है। वाटरमेलन हम इसलिए खाते हैं कि उसके पानी की ठंडक हमको मिलती है, तो ठंडक हमें कब चाहिए? जब गर्मी होती है, तो एकदम तेज़ गर्मी धूप होगी उसमें हम लोग ज़्यादा वाटरमेलन खाते हैं, राइट? तो अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग सीज़न के हिसाब से होते हैं, वो हमारा एडेप्टेशन भी है एक तरीके का। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ हम नहीं बहुत से जानवर पशु पंक्षी सबको इफेक्ट करता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पॉसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और द हीट। हम तो जैकेट स्वेटर पहन लेंगे, जानवरों को कौन देगा जैकेट और स्वेटर? उनके पेरेंट कौन है? भगवान। भगवान क्या करते हैं कि जो भी जानवर ठंडी एरिया में पाए जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एकदम मोटी बाल वाली खाल होती है, भालू के ऊपर कैसी होती है? वैसी, राइट? सो एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पॉसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। अभी ऊंट जो है वो तो रेगिस्तान में रहता है, ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो उसको छाता कौन देगा गर्मी से बचने के लिए, राइट? उसको वाटरमेलन कौन खिलाएगा? तो भगवान ने उसकी बॉडी के अलग अलग फीचर्स ऐसे दे रखे हैं ताकि उसको गर्मी परेशान ना कर सके। वो तो स्लीपर भी नहीं पहनता, और रेत कितनी गर्म होती है, तो गर्म रेत में आप बगैर चप्पल जूतों के जाओगे तो क्या हालत होगी? आप नहीं चल सकते। लेकिन ऊँट जो है वो आराम से टहलता है, उसमें सो जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसकी बॉडी ऐसी बनाई है, स्पेशल फीचर्स दे रखा है उसको। रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ द एडेप्टेशन फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू एडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सॉइल। हियर वी विल फाइंड द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। In class 6, you have read about the adaptations of animals of certain habitats. Example of the adaptation of animal to climatic conditions. We discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, North Pole and the South Pole. Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA, and Siberian region of the Russia. Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. तो हम लोग जो हैं वो पोलर, जो दो पोल्स अर्थ जो है ना वो गोल गोल है, राइट? ऊपर का पोल और नीचे का पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है? और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर ज़्यादा रेन आता है। तो यहाँ पर जो कुछ नाम मैंने अभी प्रेडिक्ट किए आपके सामने, वो सब इन दो रीजन्स में आ जाता है। Now take an outline of the world map, mark the polar region in the blue, similarly the mark tropical regions in the red. The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. ये दो रीजन में बर्फ ज़्यादा गिरती है, इसीलिए वो साल में 9 या 10 महीने तो ठंडे ही रहते हैं। For 6 months the sun does not set at the place at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. एक जगह है पोल के ऊपर जहाँ पर 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है और 6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं है, मतलब 6 महीने रात और 6 महीने दिन कंटिन्यूसली, रोज़ रात दिन नहीं होते वहाँ पर। In winters the temperature can be as low as 37 degree minus. सोचो ठंडियों की सीज़न में वहाँ का टेम्परेचर, अब 0 डिग्री होता है तो क्या होता है? पानी बर्फ़ हो जाता है 0 डिग्री पे, तो 0 से भी कम क्या होगा? माइनस में होगा, राइट? सो माइनस वन माइनस टू ऐसे पहुँचते -37 डिग्री तक पहुँच सकता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशंस। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलार बियर्स
and penguins. Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. It protects them from their predators. It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have two thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. Physical activities on warm days necessitate the cooling. So the polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. Its paws are wide and large, which helps it not only to swim but also walk with ease in the snow. While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for the food. We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flowchart given here. अभी देखो polar bear जो होता है, एक तो वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, तो उसके भी शिकारी होते हैं, उसको शिकार करने वाले, तो उसको बचना है तो कैसे बचेगा, कि भगवान ने उसकी बॉडी का कलर ही वाइट स्नो जैसा बना दिया है, राइट। तो एक तो खुद की बॉडी वाइट है और ऊपर से स्नो भी वाइट है, तो वो जल्दी तर दिखा में नहीं आएगा हंटर्स को, शिकारियों को, कि यहाँ पर पोलर बियर है। ऊपर से उसकी स्किन जो है वो डबल लेयर होती है ना, तो हम लोग कैसे डबल जैकेट पहनते हैं, वैसे उसकी स्किन ही डबल लेयर होती है। ऊपर से उसकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होता है, तो फैट जो होता है तो बॉडी को गर्मी देता रहता है, राइट। तो नॉर्मल हम लोग जैकेट्स पहन के पहनेंगे, वो ऐसे ही घूमता रहेगा, और ऐसे में भी वो अपनी बॉडी को गर्म काफ़ी हो जाती है, इसलिए ठंडा रखने के लिए वो स्विमिंग करता है, पानी में तैरता रहता है। और ऊपर से उसका एडेप्टेशन ऐसा है कि वो पानी में बगैर सांस लिए बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो ये सारे एडेप्टेशंस भगवान ने उसको दे रखे हैं ताकि वो छुपा रहे अपने प्रीडेटर्स, उसको शिकार करने वाले होते हैं, उससे उसका खाना चाहिए उसको भी, तो वो भी छुपा रहेगा, तभी तो दूसरे जानवर उसके आजू बाजू आएंगे, तब वो उसको खा लेगा। तो दो चीज़ से उससे बचाता है, ताकि दूसरे जानवर को पता भी ना चले यहाँ पर बियर है, और जैसे उसके नज़दीक आएंगे वो उसको खा जाएगा, राइट। तो ये सारे उसकी बॉडी के ऊपर एडेप्टेशंस दिए हुए हैं। अब दूसरा है वेल नोन एनिमल, दैट इज़ द पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट। सेम उसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर की होती है और थिक स्किन होती है जो उसको बचाती है। यू मे ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, दिस में और दिस कीप देम वार्म। अभी पेंगुइन्स जो होते हैं ना, ज़्यादातर अकेले नहीं घूमते, ग्रुप में ही घूमते हैं, तो एक दूसरे की बॉडी की गर्मी भी उनको मिलती रहती है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन द हॉल फुल ऑफ पीपल। जब सर्दी में आप लोग देखोगे, राइट, ये सारे एडेप्टेशंस दिए हुए हैं डायग्राम के साथ में, राइट। कभी देखना आप सर्दियों की सीज़न में ग्रुप में लोग बैठना पसंद करेंगे, और गर्मियों में अलग अलग बैठेंगे, क्यों, ताकि ज़्यादा नज़दीक में बैठोगे तो गर्मी लगेगी। तो ये सारे एडेप्टेशंस होते हैं, राइट। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।